नंदा की राजधानी पूर्वी भारत के मगध क्षेत्र में पाटलिपुत्र वर्तमान पटना के पास में स्थित थी। इसकी पुष्टि बौद्ध और जैन परंपराओं के साथ साथ संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस से भी होती है। पुराण नंदों को शेषनाग वंश से भी जोड़ते हैं, जिसने मगध क्षेत्र में शासन किया था। ग्रीक खातों में कहा गया है कि अग्रमंस, जिसे नंद राजा के रूप में पहचाना जाता है, गंगारिदाय गंगा घाटी और प्राचीन संभवतः संस्कृत शब्द प्राच्य का एक प्रतिलेखन, जिसका शाब्दिक अर्थ पूर्वी लोग था, का शासक था। बाद के लेखक मेगस्थनीज लगभग 300 BC के अनुसार पाटलिपुत्र यूनानी पाली गोत्रा प्राची देश में स्थित था, जो इस बात की पुष्टि करता है कि पाटलिपुत्र नंद की राजधानी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि नंद साम्राज्य पश्चिम में वर्तमान पंजाब से लेकर पूर्व में उड़ीसा तक फैला हुआ था। 200 विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों, प्राचीन यूनानी खातों, पुरानों और हाथी गुम्फा शिलालेख सहित के विश्लेषण से पता चलता है कि नंदों ने पूर्वी भारत, गंगा घाटी और कम से कम कलिंग के एक हिस्से को नियंत्रित किया था। दो एक ये भी अत्यधिक संभावना है कि उन्होंने मध्य भारत में अवंती क्षेत्र को नियंत्रित किया, जिससे उनके उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्तमान गुजरात पश्चिमी भारत को जीतना संभव हो गया। दो जैन परंपरा के अनुसार नंद मंत्री ने पूरे देश को तटीय क्षेत्रों तक अपने अधीन कर लिया था। 2-3 पुराणों में कहा गया है कि नंद राजा महापद ने क्षत्रियों को नष्ट कर दिया और निर्विवाद संप्रभुता प्राप्त की। 24 कहा जाता है कि उनके द्वारा क्षत्रियों का सफाया कर दिया गया था, उनमें मैथिल, काशी, इक्ष्वाकु, पंचाल, शूरसेन, कौरव, हहय, वितिहोत्र, कलिंग और अश्मक शामिल हैं। मैथिला शाब्दिक रूप से मिथिला का क्षेत्र मगध के उत्तर में वर्तमान नेपाल और उत्तरी बिहार की सीमा पर स्थित था। यह क्षेत्र 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के राजा अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान मगध के नियंत्रण में आ गया था। नंदों ने संभवतः स्थानीय सरदारों को अपने अधीन कर लिया था, जिन्होंने मगध से कुछ हद तक स्वतंत्रता बनाए रखी होगी। 25 काशी के आसपास के क्षेत्र के निवासी काशीय थे, यानी वर्तमान वाराणसी। पुराणों के अनुसार काशी पर शासन करने के लिए एक शेषनाग राजकुमार को नियुक्त किया गया था, जिससे पता चलता है कि यह क्षेत्र शेषनाग के नियंत्रण में था। नंदों ने इसे शेषनाग राजकुमार के उत्तराधिकारी से छीन लिया होगा। 23 इक्ष्वाकुओं ने वर्तमान उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक कोसल क्षेत्र पर शासन किया था और अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान मगध साम्राज्य के साथ संघर्ष में आ गए थे। विरुद्ध के शासनकाल के बाद उनका इतिहास अस्पष्ट है। 11वीं शताब्दी के कहानी संग्रह कथा सरित सागर के एक अंश में कोसल क्षेत्र के अयोध्या शहर में नंद शिविर कटका का उल्लेख है। इससे पता चलता है कि नंद राजा कोसल में एक सैन्य अभियान पर गए थे। 23 पांचालों ने कोसल क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में गंगा घाटी पर कब्जा कर लिया था और नंद काल से पहले मगध राजाओं के साथ उनके संघर्ष का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि नंदों ने उन्हें अपने अधीन कर लिया था। 23 ग्रीक खातों के अनुसार सिकंदर को उम्मीद थी कि अगर वह पंजाब क्षेत्र से पूर्व की ओर बढ़ेगा तो उसे राजा अग्रमंस, नंद राजा के रूप में पहचाना जाता है, का सामना करना पड़ेगा। इससे पता चलता है कि नंद क्षेत्र वर्तमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गंगा नदी तक फैला हुआ था। 1 शूरसेन मथुरा के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। यूनानी विवरणों से पता चलता है कि वे प्राची के राजा यानी नंद राजा के अधीनस्थ थे। रूप क्षेत्र, जिसमें कुरुक्षेत्र का पवित्र स्थल शामिल था, पंचाल क्षेत्र के पश्चिम में स्थित था। 2-6 यूनानी अभिलेखों से पता चलता है कि गंगारिदाय और प्राची के राजा ने इस क्षेत्र को नियंत्रित किया था, जिसे कुरुक्षेत्र पर नंद विजय के लिए पुष्ट प्रमाण के रूप में लिया जा सकता है। 2-5 हहयों ने मध्य भारत में नर्मदा घाटी पर शासन किया, उनकी राजधानी महिष्मति थी। 27 इस क्षेत्र पर नंद का नियंत्रण असंभव नहीं लगता है, ये देखते हुए कि उनके पूर्ववर्तियों शेषनागों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मध्य भारत में अवंती के शासकों को अपने अधीन कर लिया था। पुराणों के अनुसार और उनके उत्तराधिकारियों मौर्यों के बारे में ज्ञात है कि उन्होंने मध्य भारत